दोस्तों आज की रेसिपी में हम आपको बताएंगे कसूरी मेथी जो कि बनती है बहुत ही स्वादिष्ट आलू फ्राई करके। वीडियो पूरा देखिएगा, आपको पूरा मसाले और सब चीज़ की जानकारी हम देंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेथी की सब्ज़ी बहुत ही बढ़िया बना के दिखाएंगे, कसूरी मेथी और आलू। तो यहाँ हमने लिए मेथी, इसको हमें बारीक बारीक काट लेना है। थोड़ा मोटा काटेंगे तो भी चलेगा, मेथी का सीज़न ख़त्म होने वाला है, उससे पहले पहले आप ज़रूर बनाइए ये रेसिपी एक बार। अभी भी मार्केट में मेथी मिल रही है, मेथी कोई सी भी हो, चाहे नॉर्मल हो चाहे कसूरी हो, बनाने का तरीका सेम ही रहेगा। तो इस तरीके से हम काट लेंगे। तो इसको मैं एक बर्तन में डालते रहता हूँ और काटने के बाद फिर आगे प्रोसेस बताते हैं आपको। तो यहाँ देखिए मेथी मैंने काट ली है और उसको अच्छे से साफ़ कर लिया है पानी से धो के। यहाँ लिए मैंने कढ़ाई, इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल और तेल को होने देंगे गरम। तेल गरम हो जाने पे हमने आलू काटे हैं स्लाइसेस में, तो हमें आलू को सबसे पहले फ्राई करना है। एकदम अच्छे से फ्राई कर लेंगे करीब 1 से 2 मिनट तक भून के। तो यहाँ देखिए आलू हमारे फ्राई हो चुके हैं, आप देख सकते हैं इस तरीके से फ्राई करना है। आलू को हम तेल से बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखिए आलू हमने बाहर निकाल लिए हैं। अब उस बचे हुए तेल में हम डालेंगे देखिए लहसुन। तो सबसे पहले लहसुन डाल के इसको हम भून लेते हैं। लहसुन भूनने के बाद यहाँ मैंने 2 प्याज काटे हुए हैं बारीक बारीक, तो प्याज को ऐड कर देते हैं। प्याज को भूनते भूनते ही हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्च। इसमें हम लाल मिर्च का प्रयोग नहीं करेंगे, ये सब्ज़ी हरी मिर्च से बनती है, तो हरी मिर्च ही हम डालेंगे सिर्फ। और इसे अच्छे से फ्राई करेंगे और इसमें साथ ही साथ डाल देंगे हींग। हल्का ब्राउन होने तक प्याज हमें भूनना है। तो अब इसमें डाल देते हैं हल्दी पाउडर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं करना है, तो सिर्फ हल्दी पाउडर डालेंगे इसमें। और अब ऐड कर देंगे इसमें मेथी, ये मेथी 1/2 किलो है। इसमें और कोई भी मसाला ऐड नहीं होता है। तो मेथी को अच्छे से मसाले में मिक्स कर लेते हैं। क्योंकि आलू हमने फ्राई किए हुए हैं तो आलू हमारे कम से कम 80% तक गल चुके हैं, तो अभी हम इसमें आलू ऐड नहीं करेंगे, इसको ढक के पकाते हैं। तो यहाँ करीब हमने 2 मिनट तक इसे पकाया, अब इसमें हम आलू ऐड कर देते हैं और साथ ही साथ में ऐड कर देंगे इसमें नमक स्वाद के अनुसार। इसे वापस से ढक देंगे 2 मिनट के लिए, बीच बीच में चलाते रहिएगा। तो 2 मिनट हो चुके हैं, देखिए पानी पूरा सूख चुका है और तेल छोड़ चुकी है मेथी। तो ये बनके तैयार है, मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। तो बहुत ही सिंपल और आसान रेसिपी, पराठे के साथ रोटी के साथ आप कैसे भी खाइए, बच्चों को टिफ़िन में दीजिए, बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाती है। वैसे भी मेथी ख़त्म होने वाली है तो एक बार ज़रूर बना लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों।